इंसान का विनाश तभी होता है
जब इंसान की अंतरात्मा मलिन हो चुकी हो, पाप का घड़ा भर चुका हो, तो कृष्ण भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है। इस तर्त लुगाई नु सो तड़ ले नानक जहे कामल मुर्शद नू नौ खंड पृथ्वी गौड़ी ही पेंदी है। अरे भाइयों, आज तो शहीद की बरसी है। ओ भाई, एक फकीर का मुकाम है। गलता थोड़ी ठीक है प्रभु। ओए परे फलसफा क्यों है? आपकी कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम सब अपने आप से टूट चुके हो, अपने विश्व से, अपने इतिहास से बेमुख हो चुके हो। इसीलिए तुम्हें जिंदगी की साधारण बातें भी उलझी हुई लग रही हैं। पर तुम सब की साथी सुखदार वाला जान बताता है, इसने इकट्ठे ही आजादी की बहारों को मनाया, इकट्ठे दिए जागे और जूझे, इकट्ठे ही नव निर्माण के लिए कमर कसी। पर आज तुम्हारी जमीर बताती है कि तुम मैं खाना पूर्ति करने के लिए समर शहीद से गुट के पास आए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? तुम सब की चुप्पी तुम्हारे अंदर ले गुनाहों का सबूत है। अच्छा ये बताओ, ये गुट किसका है? शहीद उधम सिंह का। शाबाश, इसकी जीवन गाथा के बारे में कुछ जानते हो? कुछ। तो बताओ फिर। इस अमर शहीद की गाथा तो बहुत लंबी है, पर मैं शुरू करने लग्या सन 1919 तो, जब पूरे देश विच आजादी का संघर्ष चल रहा है। उस आजादी के संघर्ष को कुचरण लई अंग्रेजा ने मार्शल लॉ लागू कर दिता, देशभक्त जनता सारे नु गिरफ्तार कर लिता गया, तो उन्हों का दमन चक्कर भी शुरू हो गया। बाबा खड़क सिंह जी को पकड़ लिया गया, खान अब्दुल गफार को कैद कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को नजरबंद कर दिया गया। और हाँ, जब इस काले कानून का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में हमारे देशभक्त लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, पूरा अमन जलसा शुरू ही हो गया कि अचानक कुछ पलों बाद जनरल डायर की कमान के नीचे मशीन गनों के साथ लैस फौजी दस्ता जलसे वाली जगह पर पहुंच गया। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायर! खून ना किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का, एक खून ना किसी सिख का है, ना किसी ईसाई का, एक खून मेरे हिंदुस्तान का है, मेरी हिंदुस्तानियत का है। ते जिस किसी ने भी मेरे वतन की गैरत का खून किया है, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। ते उस दुश्मन ते लहू की कुट भरना मेरे लिए पुण होएगा। भारती, तेरा सभ्याचार, तेरे पंज नदियां दी सौगन। ते तू देखिया है मां, कि अज इस जलियां वाले बाग दे विच की होया है? मैं दोषियां दा कतलिया, अज मेरा दामन फेर किसे हमलावर ने लहू लुहान कर दिता है, कणका दा रंग बग्गा हो गया, वेले गलियां बाजारा विच मातम पूरी पै गई, पूरी गुरु दी नगरी अमृतसर विच जिस विचों एक नवी कौम सुरजीत उठी है।
जल्द ही गुलामी की जंजीरां तोड़ के आजादी हासिल कर ले। धर्म सिंह इतिहास का एक पन्ना जलियांवाले बाग के इन शहीदों ने लिख दिता है। इस तो अगला पन्ना कौन लिखेगा? इस तो अगला पन्ना मैं लिखांगा। इस तो अगला पन्ना मैं लिखांगा। असी लिखांगे। असी लिखांगे। असी लिखांगे। जलियांवाले बाग के शहीदों ऐ उदे ऐ उधम सिंह ना हूं उधम रहा ते ना ही उदय सिंह। आज तो ये राम मोहम्मद सिंह आजाद हो गया है ते कसम है मैनू इस जलियांवाले बाग दे विच वगदी रक्त दी धारा दी जदों तक मैं पंजाबियों की गैरत ते हिंदुस्तान की निरादरता का बदला नहीं ले लैंदा उदों तक मैं चैन नहीं बैठांगा। इस दे लई मैनू किन्ने भी जतन चोणा धारने पर हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करण लई उधम सिंह नू 21 साल दा इंतजार करना पिया। आखिर 13 मार्च 1940 नू लंदन दे जैक्सन हॉल विच खूनी सर माइकल अडवार नू गोली मार के ओ कर दिया। भगत सिंह हुंदा जेकर था मेरी तां पिछले वही खाते सब खोल लैंदा। जलियांवाले बाग दियां सामियां लाशां गिण लैंदा ते लहू तोल लैंदा। 31 जुलाई 1940 नू इस अमर शहीद नू फांसी दे दित्ती गई। जदों जेलर ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तां मुस्कुरा के बोलिया, आखिरी ख्वाहिश जेकर पुछने हो जाल लो मेरी तां इन्ना कु पक देना मेरे मोए होए दी छाती उत्ते माटी मेरे हिंदुस्तान दी तक देना। अमृत महोत्सव से अपने अमर शहीदों नु याद करके हर घर झंडा हर घर तिरंगा लाइए क्योंकि बन दे कदे इतिहास ना ए दले कि असा राजिया ने किने खून कौन वालिया कदिया ने पूछना है केड़ी कौम ने बहुते मंसूर और वाली नस्ल ने पूछना है केड़ी कौम ने बहुते मंसूर। नो हम ऐसा नहीं होने देगा। होगा वही जो सोच आ गया है। मैं कौन हूँ? I am that bloody sword जो तुम सब के अंदर नफरत की चिंगारी पैदा कर दे। मैं कभी बाबर बनकर आया और कभी अब्दाली बनकर हिंदुस्तान का धन दौलत लूटा और यहाँ के हुसन को गजनी के बाजार में टके टके पर बेचा। मैं ही हूँ जन्ना डायोर जिसने बैसाखी वाले दिन अमृतसर के बाग में निहत्थे लोगों पर गोलाबारी की। आई एम डिवाइड एंड रूल। मैंने ही तुम सबको भाषा के नाम पर धर्म के नाम पर जात पात के नाम पर आपस में लड़वाया। लेकिन मैं तुम सबको एक होने नहीं दूंगा बिकॉज मैं वोट में दोबारा आना चाहता है। बूढ़े कौन हो तुम? सुनाम दे रेलवे फाटक से कट्टे नौकरी करया करते सी निका जा हुंदा सी। ये बूढ़ा पागल हो चुका है। पागल ए मेरे पागलपुणे दा इतिहास ही दा सी जदों जनरल डायर ने जलियांवाले बाग दे विच निहत्थे लोकां उत्ते गोलियां चलवाईयां तां मैं अपनी सरकारी नौकरी छड्ड के सत्याग्रहियां नाल सत्याग्रह ते बैठ गया। मैं मारा खादियां मैं लाठियां खादियां ते आण बेड़ियां भी लवाईयां। आ टुट्टी हुई लत देख रहे हो? ए ओही लत है जो गोरियां दीआं लाठियां खा खा के नकारा होई पई है। ए ओही डंडा है जो मैनू महात्मा गांधी जी वालों मिलया सी। यही मेरा प्रमाण पत्र है ते यही मेरा थामन पत्र। आ कलम वेख रहे हो? ए ओही कलम है जिस नाल मैं देशभक्ति दा
हाथों से नहीं बचेगा। शैतान की औलाद, तेरा ही इंतजार सी, तू नहीं आया इत्थे, तैनू तेरी मौत खिंच के मेरे कोले लगी है। दोस्तों, साडे मां बाप की बेअदबी हो रही है ते तुसी इत्थे तमाशबीन बन के तमाशा देख रहे हो। दोस्तों, तुसी आ उच्चियां उच्चियां इमारतां बना के बैठ गए हो, अपने आप नू इन्हां चार दीवारियां दे विच बंद करके अपने शरीर नू कफन कर लिया ते अंदरों चंद्रे मार ले ने। तुसी दसो असीं किसदा दरवाजा खटखटाईए, इन्हां धर्मां तफरीकां दे विच बैठ के साडियां शक्लां तक बिगाड़ रहे हो। पर कोई मैनू हिंदू दसदा है, कोई मैनू मुसलमान दसदा है, कोई सिख दसदा है ते कोई ईसाई। पर मैं हिंदुस्तान हाँ, हिंदुस्तान। शहीद की शहादत किसे धर्म या फिर के लिए नहीं होगी, शहीद की शहादत उसकी कौम ले होगी। मेरा नाम बदल गया ना, उस कौम ने मानते हैं अपने से एक लिए चले था बाजो किसी लोग अपने तहरन लावा अपने रिश्ते कारों ने नाम छोड़ के काम लाओ। मोटा मेडिकल है तो स्टैटू था भूत भूत भागो। पचला पचला मेरे देश का दुश्मना, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵੱਟ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ, ਸਦੀਓ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌਰੇ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਸਦੀਓ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌਰੇ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰਾ। मैं तेरे जही नकमी शायद अपनी कीमती गोली जाया नहीं करांगा। थैंक यू मैन, थैंक यू। आज तो 104 साल पहला ਚੜਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਵੀ ਸਾਜ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣਗੇ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਖੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਉਨਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਹੋਠੋਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਫਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, एक रोज इस खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। संभलो के वो जिंदा जिंदा कूच उठा, चपटो के वो कैदी छूट गए, उठो की वो बहने दीवारे, दौड़ो की वो टूटे शमशीरे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आजादी देश पच्चर में अमृत महोत्सव थे, आओ साडे नाल एक शब्द दोहराओ कि असी प्रण करते हां, असी प्रण करते हां कि सरहदा ते साडे वीर जो साडी राखी करते ने असी उहनां नूं नमन करांगे। सरहदा ते वीर जो साडी राखी करते ने असी उहनां नूं नमन करांगे, उहनां दे परिवारां दा सत्कार करांगे, उहनां दे परिवारां दा सत्कार करांगे, अपनी सभ्यता ते अपने विरासत नूं संभाल के रखांगे, अपनी सभ्यता ते अपने विरासत नूं संभाल के रखांगे। करो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, ये जो नाटक तुसी देखा है, मेरी माटी मेरा देश, ये चंडीगढ़ की थिएटर टीम थिएटर फॉर थिएटर वालों खेलिया गया है। इस नाटक नु सपोर्ट करे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ते मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। साडा एक मेन मकसद है कि 15 अगस्त वाले दिन हर घर दे उपे हर घर दे उते अपने देश दा तिरंगा लहराइए ते एक इंसानियत दे नाते असी एक होण दा सारिआं नूं सबूत दईए ते अपने बच्चिआं नूं चंगी शिक्षा दईए ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟੀ ਭਾਨ ਵਰਗੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।
आज इन्होंने एक निवेदन किया था कि यहाँ एक हम नुक्कड़ नाटक करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 15 अगस्त आने वाली है, तो इस तरीके का देशभक्ति का एक जज्बा लेके जो नितिन शर्मा जो इनकी टीम चल रही है, ये काबिले तारीफ है। जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। और जिस तरीके से यहाँ कलाकारों ने एक बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी है, वो अपने आप में वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है कि ये लोग हमारी भारत की, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के नुक्कड़ नाटक हर जगह रहें और लोगों में जागरूकता आए, और ख़ासकर बच्चों में और नौजवान पीढ़ी को ये पता लगे कि आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो ये उन महान बलिदानियों का, शहीदों का, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। 20-20 साल के जो हमारे जवान बच्चे थे, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है। हम उनको नमन करते हैं और देश के नौजवान लोगों से, बच्चों से ये अपील करते हैं कि वो लोग जो हैं इस तरीके के देशभक्ति के जो जहां भी कार्यक्रम रहें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हमने एक नाटक देखा, मेरी मिट्टी मेरा देश। बहुत ही अच्छा नाटक, एक नुक्कड़ नाटक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइज करा। इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। 14 अगस्त कल है, 15 अगस्त आने वाली है। इसके लिए मैं कहूँगी कि लोगों को जागरूक करना और लोगों के मन में अपने भारत माता के लिए जो प्यार इन्होंने बच्चों ने मिलकर जागरूक किया है, जो जगाया है, जिस तरीके से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया है, वो काबिले तारीफ का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। मैं कहूँगी आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा, इसलिए मैंने भी अपने बच्चों को दिखाया, इसलिए इतना इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, बहुत सारी बातें हमें अपने इतिहास के बारे में पता चली कि वो युगों युगों तक मेरे बच्चे भी याद रखेंगे, मैं भी याद रखूंगी और जितने लोगों ने उसको देखा वो सब याद रखेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम जैसे नुक्कड़ नाटक होने चाहिए। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं सबको कहती हूँ कि अपनी माटी को प्यार करें, अपने घर पर एक तिरंगा लगाएं और अपने देश से बेहद प्यार करें। भारत माता की जय।